हे गाइस, जब तक आप ये देख रहे हो शायद ये 15 अगस्त हो जाए, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो आज हम लोग जहाँ पे आए हैं ये है फतेहपुर सीकरी। हाँ, तो हम लोग, मैं अपना पूरा फैमिली के साथ आया हूँ। हाँ, तो दिस इज़ द पार्किंग लॉट एंड वी आर गोइंग इनसाइड द प्लेस। हे गाइस, तो जैसे आप लोग अंदर आते हो, टिकट लेने के बाद बस से आपको जाना पड़ेगा सीकरी के तरफ। तो हम लोग अभी उधर ही जा रहे हैं। सामने इधर, ये मेरे पीछे इधर पे आपको बस मिलेगा। अराउंड 100 मीटर चलने के बाद बस स्टैंड आपको मिल जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम है, ज़्यादा मतलब कुछ रश नहीं है। तो दिस टाइम इट्स, हाँ, थोड़ा गर्मी है बट बाकी इधर पे अच्छा है। हाय गाइस, तो यहाँ पे एंट्री फी वाज अराउंड 900 रुपीज़। एंड वहाँ से आके, आई मीन, यहाँ पे दो गाइड आप लोगों को मिलेगा। फर्स्ट जो आपको सीकरी घुमाएगा, बस से जाना पड़ेगा यहाँ से, पर हेड 10 रुपीज़ लेते हैं। तो यहाँ से पहले सीकरी, वहाँ से वापस आके विद द सेकेंड गाइड विल बी गोइंग टू द फतेहपुर फोर्ट। तो अभी तो हम लोग बैठ गए बस में, तो फर्स्ट सीकरी चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे आपको कैसा है अंदर से। तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी अभी हम लोग जो गेट क्रॉस किए वो नाबद गेट है। जब अकबर इधर पे आया करता था तो वहाँ पे यू नो बैंड्स और जितने सारे हैं वो बजता था नौबत के लिए, टू वेलकम अकबर। This is the दीवाने खास। We are going inside दीवाने खास। तो जब लोग आप इधर पे आ रहे हो तो एक you know, इसके चारों साइडों में छोटा छोटा गोट गेट बना है ना, नौटा गेट ना रत्नों के बैठने के लिए, बाकी गेट आने जाने के लिए, माजकंठ सम्राट अकबर के बैठने के लिए ऊपर। इसको इबादत खाना भी बोलते हैं, इबादत में प्रार्थना करने का जगह, क्योंकि अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट किया, न्यू रिलीजन, जिसका नाम रखा दीन ए इलाही। वो यहाँ से स्टार्ट किया, इसलिए इसको इबादत खाना भी बोलते हैं। ये पिलर का कटिंग सिंगल स्टोन पर है, जिसपे हर मतलब का डिजाइन है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मुगल बुद्धिस्ट। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे लोटस। इसका चार रास्ते हैं बीच में जाने के लिए, ऊपर के रास्ते को बंद करा दिए। दीवाने खास, इबादत खाना, दैट इज़ अ सीकरी विलेज। फील्ड
बना हुआ है, यहाँ पर खेती बाड़ी हो रहा है। ये अकबर के टाइम का मोती झील था, आर्टिफिशियल लेक, तीन साइड किले का बाउंड्री है 10 किलोमीटर, एक साइड पानी का लेक था, अभी ड्राई हो गया। ये बिल्डिंग में पानी सप्लाई के लिए अकबर ने टैंक बनाए थे, क्योंकि अकबर के टाइम पे मोटर मशीन नहीं थे। अच्छा। व्हील के जरिए से पानी लाते थे, पर्शियन व्हील। अकबर ने 52 टैंक बनवाए था पूरा एरिया में। अभी दो टैंक बाकी है, ये है फतेहपुर में है, बाकी का टूट गया। और राइट साइड में जो ब्लैक बिल्डिंग है, अकबर का डकशाल था, टकाशाला, टका तोयरी हो तो अकबर समय मिंट। अच्छा। और इधर देखेंगे एलिफेंट रूम। तो दिस इज़ दी खजाना महल, जहाँ पे राजा अपना खजाना मतलब रखते थे, और लुका छुपी भी खेलते थे इसी महल में। ये अकबर के राज ज्योतिष के बैठने का सीट था, ये वाला ज्योतिषी, राज ज्योतिष जी का बैठने का जगह था ये। अच्छा मैडम, गुलाब जल का फुहारा चलाते थे खाने के टाइम पे, स्टार्ट करते थे, अंदर हवा के साथ खुश हो जाती थी। अंदर देखेंगे अकबर का बेडरूम। बोलते हैं अनुपताल, तानसेन के दान करने का जगह। अकबर के टाइम पे ये फेमस सिंगर थे तानसेन, यहाँ बैठकर अपना संगीत सुनाते थे। इसके चारों साइड में गुलाब जल भर्ती करते थे या बिस्की जल भराते। वहाँ राजा अकबर बैठता था, लेफ्ट साइड से लड़के निकला हुआ है। सामने जो बालकनी है वहाँ पर उनका रानियाँ बैठते थे पर्दे के अंदर, पर्दा सिस्टम था रानियों के लिए। यही पर्दे वाला रास्ता 5 महल से ज्वाइन किया हुआ है। यही पर्दे वाला रास्ता अकबर के बेडरूम से ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि रानियों का आना जाना सब पर्दा से होता था। उधर लेते रहो छाँव में हसली मरियम तक। हाँ, तो गाइस इधर पे ही परदेस मूवी का शूटिंग इधर हुआ था, और वो जो बीच में जगह आप देख रहे हो, तो वहाँ पे जो लास्ट वाला एक सॉन्ग है ना, तो वहाँ पे वो वाला शूट हुआ था। एंड दिस इज द कॉरिडोर जहाँ पे वो शाहरुख का फाइट हुआ था। तो डोडो, हाउ आर यू लाइकिंग इट? Are you enjoying it? Very good. Okay. नीचे रानी बैठी हुई, उसको हाथों से ऐसा ऑफर कर रही है कुछ। 450 वर्ष गाड़ी की पेंटिंग नहीं है। इधर देखे राधा कृष्ण का पेंटिंग, कृष्ण दिखाई दे रहे हैं ये सामने इधर पूरा, और इधर राधा है, राधा का पेंट हो गया। इधर से रूम का डिजाइन देखें, रूम डिजाइन सर जैसे कृष्ण चर्च होता है ना, नई चर्च। और यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा, ये अकबर का क्रिश्चियन वाइफ का बेडरूम है। सो दिस रूम इज डिजाइन लाइक अ चर्च, एंड विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रूम जो कि ये है। दिस इज द पैलेस ऑफ जोधाबाई, द फेमस पैलेस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन मूवीज एंड ऑल। तो अभी हमारा जो गाइड है वो और थोड़ा डिटेल में बताएंगे हम लोगों को कि
इसका डिटेल, इसका हिस्ट्री। ये अकबर का जो क्रिश्चियन वाइफ थी उनकी पैलेस है, इट इज़ कॉल्ड गोल्डन पैलेस एंड दिस इज़ दी जोधा पैलेस। तो अभी बाहर से दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू दैट विल गेट फ्रॉम द आउटसाइड। अभी हम लोग अंदर जाएंगे कुछ ही देर में, फिर उधर जाके इसका डिटेल बताते हैं। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, लेट्स सी हाउ इज इट। वाओ, तो गाइज ये है जोधा बेगम की, या जोधा की यू नो रूम। ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये उनका बेडरूम है इधर पे, और ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं ब्लू कलर, ये एक्चुअली 400 इयर्स ओल्ड है। ये अकबर के टाइम के ये पेंटिंग किया था, दिस इज़ अ चाइनीज पेंट, दैट्स व्हाट आवर गाइड टोल्ड। सो अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो ये चार जो डोम है ये उन लोगों का सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के पर्सनल्स वो इधर रहते थे। तो ये जोधा की तुलसी का पेड़ इधर पे लगा था बीच में, तो शी यूज़ टू प्रैक्टिस द हिंदू रिचुअल्स इवन आफ्टर मैरिंग द मुस्लिम एम्परर, एंड इट वॉज सो यू नो द एक्सक्लूसिविटी ऑफ अकबर वी कैन सी ओवर हियर। लाइक उनके तीन बीवी थे, लाइक तीन बेगम थी, तो एक क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम, तीनों, और तीनों के लिए समान आदर है, समान रिस्पेक्ट है। सो इट्स वेरी गुड। लाइक आपने जिस गेस्ट एंट्रेंस किया ये राजा अकबर के आने के लिए था। राजा अकबर हर जुमे के दिन अंदर आया करते थे। स्ट्रीट सामने देखिए, वहाँ पर बड़ा जो दरवाजा आप देखते हैं उसका नाम है जमा मस्जिद। वहाँ पर लोग पांच टाइम का नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद का डायरेक्शन सेंट कॉपी ऑफ द मक्का है। व्हाइट कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो अकबर के गुरु की समाधि है। उनका नाम है अकबर ने पहले उसको लाल पत्थर से बनाया था, बाद में जहांगीर अकबर के लड़का उसको सादा पत्थर कराया है। बहुत सुंदर अंदर में जाफरी है, वहाँ लोग धागा बांधता सूता मानता है। मैं जो मानत करता है वो सीक्रेट मन में रखता है, किसी को बोलता नहीं है। एक आदमी तीन मन्नत करता है, अपने लिए, अपने परिवार में, किसी के लिए भी। विश पूरा होने के बाद में यहाँ खुलना नहीं आता, घर पर फकीर लोगों को खाना वगैरह दे देता। और ये दुनिया का सबसे बड़ा गेट है, उसका नाम है बुलंद दरवाजा। बुलंद के मायने ऊंचा है, दरवाजा मायने गेट है। उसका हाइट जो यहाँ है 176 फीट का है, 176 फीट ऑन द टॉप टू रोड लेवल। छोटा छोटा ये समाधि जो आप देखता है ये चुस्ती बाबा के परिवार के लोगों का है। उनका परिवार के लोग अभी जिंदा है, 16 जनरेशन है। उनमें तो कोई मर्दान को कवर बाहर देता है जेंट्स का, और अंदर में देता है लेडीज का। छोटा छोटा सलीम चुस्ती, ख्वाजा मोहिद्दीन चुस्ती अजमेर में। और ये छोटा छोटा छतरी जो आप देखता है ना ऊपर में, ये 400 साल पुराना है, 465। उस जमाने में यहाँ पर लाइट नहीं था, लाइट के लिए लोग यहाँ मशाल लगाते थे, कैंडल, ऑयल लैम्प टाइप से। तो ये बड़ा फेस्टिवल आता था। अकबर ने यहाँ 1580 में एक रिलीजन चलाया था, दीन इलाही, जो आपने सुना होगा, जो अकबर दी ग्रेट कहते हैं। अकबर दी मुगल सम्राट था, ये सारे रिलीजन को फॉलो करते थे। हिंदू मुस्लिम फेस्टिवल आता था, वो लाइट देता था उस जमाने में। और अभी हम लोग चलेगा चुस्ती बाबा के दरगाह में, ये राउंड में, छाए छाए में।
ये बुलंद दरवाजे के अंदर है। जस्ट लुक एट दी आर्किटेक्चर मैन। कितना सही है ये डिजाइन। हे गाइस, तो ये था आज का हम लोगों का ट्रिप फतेहपुर और सीकरी का। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस जो मैंने विज़िट किया है, और मैं बता नहीं सकता कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है ये जगह। तो इट इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड प्लेस इफ़ यू आर, यू नो, इफ़ यू आर अराउंड दिल्ली एंड वांट टू विजिट फॉर वन और टू डेज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। तो यहाँ पर हम लोग जोधा पैलेस देखे, यहाँ पर दरगाह देखे, एंड दिस इज़ दी फेमस बुलंद दरवाज़ा मेरे पीछे अभी जो है। तो आई होप यू लाइक द यू नो वीडियोज़ ऑफ दिस प्लेस। और अभी इधर का तो हम लोग का सफ़र ख़त्म, फिर शाम को हम लोग चल रहे हैं वृंदावन तक। तो वहाँ जाके भी हम लोगों को दो तीन लोकेशन घूमने का प्लान है, तो देखते हैं आगे कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली वृंदावन पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि इधर पे कैमराज अलाउड नहीं है मेजर लोकेशंस पे, जैसे बांके बिहारी जी की मंदिर हो गया। यहाँ से मैं बाहर से कुछ फुटेज मैं लिया हूँ, आगे जाके आप लोग देखेंगे। तो उसके बाहर बहुत अच्छा खाने का ऑप्शंस है, मतलब ऑल वेज, बट वो बहुत ही डिलीशियस दिखता भी है और खाने में भी बहुत स्वाद है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया तो फुटेज मैंने कैप्चर किया है। तो हाँ, ये मैं बांसुरी भी थोड़ा बजा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी रिसेंटली बांसुरी सीखना स्टार्ट किया है। तो आई थॉट किशन जी की जगह पे मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा ट्रिब्यूट तो बनता है, तो मैंने थोड़ा फ्लूट ट्राई किया। या सो ये सारे स्ट्रीट फूड्स है जो कि एकदम बांके बिहारी टेम्पल के बाहर ही आपको मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मैं मथुरा गया जहाँ पे किशन जी का जन्मभूमि है, कंस का जो यू नो प्रिजन था जहाँ पे किशन जी ने जन्म लिया है, तो वो मैंने देखा। वहाँ से फिर हम लोग चले गए गोकुल। गोकुल में यमुना नदी के ऊपर हम लोग बोट राइड किए। ये वही यमुना नदी है जो वासुदेव जी ने क्रॉस किया था किशन जी को लेके। और वहाँ से हम लोग गए गोकुल धाम जहाँ पे किशन जी यू नो बड़े हुए हैं। फिर वहाँ से हम लोग गए गोवर्धन जहाँ पे सीताकुंड, और वहाँ से बरसाने हम लोग जाके फिर वहाँ से वापस दिल्ली आ गए। तो गाइज, एक दिन में जितना हो सके हम लोग कवर किया मथुरा और वृंदावन। हालांकि ये एटलीस्ट दो तीन दिन लगता है अगर आप ठीक से घूमना चाहो तो। तो यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो चैनल पर, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और लाइक्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे ही शॉर्ट राइड या यू नो फैमिली ट्रिप करता रहता हूँ। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।